बिजनौर में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर कई मांगों को लेकर किया धरना प्रदर्शन। बता दें कि जनपद बिजनौर में आज आंगनवाड़ी अधिकार संयुक्त मोर्चा उत्तर प्रदेश के बैनर तले आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां इकट्ठा होकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पर पहुंची और प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए सभी कलेक्ट्रेट में ही धरने पर बैठ गयी। वहीं इस दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों ने मुख्यमंत्री के नाम 6 सूत्रीय मांग पत्र प्रशासन को सौंपा है, जिस पर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों का कहना है कि एजुकेटेड भर्ती को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं को शासकीय कर्मचारी का दर्जा भी दिया जाए। कार्यकर्त्रियों के द्वारा अन्य कई मांगे भी की गई हैं। आपको यह भी बता दें कि इस दौरान सरिता सिंह, इंदु वर्मा, गीता पांडे, अनिल मौर्य, मिश्रा राजेश्वरी राठी, सायमा जमीर सहित सैकड़ों आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां मौजूद रही। डीपीपी न्यूज से सिकुल कुमार की रिपोर्ट। आप भी कमेंट कर अपनी राय जरूर दें और डीपीपी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। साथ ही किसी भी खबर को डीपीपी न्यूज चैनल पर चलवाने के लिए या अन्य कोई जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आप हमारे फोन नंबर 7409720947 पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।